क्या थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम दो अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध, अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम थी। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ, हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, क्या कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेन। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा, अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's। बड़े वाले यहाँ हैं और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेंसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेंसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, यह एक बहुत बड़ा M&M केक है। और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेंसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे ये जीत है, मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेंसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है, कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ या, इस बार मुझे पास्ता चाहिए, नूडल्स या कुछ और।
एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। यह इंस्टेंट नूडल्स है। मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस, और वहाँ पर क्या है? ओह, कितना भयानक! उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेंसडे, मुझे नहीं लगता कि पेस को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेंसडे बस कुछ भी करती है। और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी, हाँ इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। ओह, इतनी झंझट क्यों, यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस, इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। तहराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या ये ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या हैं? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको फेज, एक मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। ये चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह, ये तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस, हाँ या इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। बकवास, यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं खुद ये खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और दो अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है।
ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ, इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड, लाइट आने दो। ओ हाँ, यहाँ वे तैयार हैं। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है। और मेरी बर्गर कुकी तैयार है, जरा इसे देखो। ओह कितना भयानक है। हाँ तुम बहुत धीमे हो, मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओ नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ आइडिया, मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा, फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूंगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। यह ओरियो की तरह है, आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज खा लेता हूँ। हाँ अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह यह सब बहरा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियाँ। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर, कितने सारे अलग अलग कुकीज है और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है, मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी, मुझे ये बहुत पसंद आया। बेटी तुम खुद से आगे निकल गई हो, तुम जीत गई सच में। आखिरकार भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। मैं खाना चाहती हूँ ऐसी जेली, इसे मेरे लिए बनाओ। हाँ आसान है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए करूँगी। जेली इसे कैसे बनाते हैं? हाँ मेरे पास एक फैंटा है, मैं ढक्कन खोलती हूँ, पर इसे खोलना मुश्किल है। इतनी बड़ी बोतल और मैं ढक्कन नहीं खोल पा रही। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। हाँ इसे पकड़ो प्लीज, बस थोड़ा और। ओह इसे वापस दे दो, इससे पहले कि वो पूरा गिर जाए। हाँ और हाँ तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसे चखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, अपने आप को मत भिंगा लेना डियर एमा। क्या खूबसूरत फैंटा है, लेकिन हमें जेली चाहिए, मैं इसमें शहद डालूंगी। ओह कितना बढ़िया सुगंध है, स्वादिष्ट भी है। हाँ मैं इसे खाती हूँ। यम यम, बहुत मीठा है। मैं थोड़ा और खाऊंगी, बस मुझे अपने ड्रिंक के लिए ऐसा ही चाहिए। इसे बोतल में डालो। ओह हाँ जेली, बस थोड़ा और। तुम कितनी प्यारी लड़की हो। हाँ हालांकि नहीं, मुझे इसे खत्म करना है। एक बूंद निकला, पर थोड़ा और डालना है, थोड़ा और। उफ अब मैं क्या करूँ? हाँ मेरे पास एक आइडिया है। हाँ यह ठीक रहेगा, मैं बस अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? यही मुझे चाहिए। प्रिय मधुमक्खियों, अब मैं आपसे शहद के साथ एक मधुमक्खी का छत्ता ले जाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तुम मुझ पर इतने गुस्सा क्यों हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? आए 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 आए, मुझे बस शहद की जरूरत थी। ओह मुश्किल से बच पाई। अब मेरे पास असली शहद है और यह बहुत सारा है। यह कितना स्वादिष्ट है, यह सच में बहुत स्वादिष्ट है।
हाँ, अब धीरे धीरे करके इसमें डालती हूँ थोड़ा और अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी और अब इसे अच्छे से हिलाना जरूरी है। हाँ, बढ़िया, जेली लगभग तैयार है। लेकिन हमें इसे रेफ्रिजरेटर में भी रखना होगा। अब यह सही है, अब केवल इंतजार करना बाकी है। बर्तन जगह पर है, मेरे पास सुंदर मकड़ी और शानदार तिल चट्टे है। वर्मवुड की एक टहनी और एक जादुई पंख और स्वाद बढ़ाने के लिए एक अद्भुत गोली और जाहिर है एक जादुई पोषण या एक मेगा मैजिक जेली होगी। लेकिन ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के बिना कैसे काम चलेगा? वे स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब मैं सब कुछ मिलाने जा रही हूँ। वाह, क्या अद्भुत जेली है! आप एक चुड़ैल की उंगलियाँ चाटेंगे? मैं हबा बबा ले लेता हूँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। कितना अद्भुत स्वादिष्ट लंबा गम, यही मुझे चाहिए। मैं मिक्सर में और डालूंगा, मैं इसे पूरा भर दूंगा। मेरा ग्राइंडर कहाँ है? मैं यह सब मिलाने जा रहा हूँ। मैं सबसे अच्छा शहद ले लेता हूँ, यही मुझे चाहिए। मैं इसे शहद के साथ जरूर मिलाऊंगा, बस यही। हाँ, यह तैयार हो रहा है और ये बढ़िया बबल गम हबा बबा जेली तैयार हुआ। चेक कर देखता हूँ। वाह, बढ़िया है, वह पक्का इसे पसंद करेगी। मैं सब कुछ एक बोतल में डालने जा रहा हूँ, उसे स्वाद पसंद आनी चाहिए। अब इसे लिक्विड बर्फ से थोड़ा ठंडा करें। हालांकि अधिक होना बेहतर होता, अब यह सही है। मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट है। स्टाइलिश लुक, कभी न भूलने वाला स्वाद और निश्चित रूप से थोड़ा ग्लिटर, जादुई बढ़िया सीक्वेंस। मुझे लगता है यह तैयार है। वाह, जेली की एक ठंडी विशाल बोतल, देखो। वाह, मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मैं इस नीले रंग की जेली को ट्राई करना पसंद करूंगी। क्या रंग है! हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन यह क्या है? ओह, एक मधुमक्खी। कितना अजीब है, मुझे दूसरा ट्राई करना चाहिए। यह गुलाबी स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, यह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। हम एक बबल भी फुला सकते हैं। बहुत मजेदार और स्वादिष्ट। मैं तीसरा विकल्प आजमाऊंगी। इसे देखकर खाने का मन नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं इसे ट्राई करूंगी। ये थोड़ा ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी, ये अच्छा नहीं है। यह सबसे अच्छा है। हाँ, नहीं, मेरा स्वाद बेहतर है। अब मुझे चाहिए लॉलीपॉप, यहाँ, यह सुंदर वाला। हाँ, मैं जानती हूँ कि क्या करूँगी। मैं एक गुड़िया ले लेती हूँ, मुझे बस एक हिस्सा चाहिए। मैं इसके हाथों को अलग कर दूंगी, गुड़िया को उनकी क्या जरूरत है। अब बर्तन, मैं चूल्हे को ऑन करूंगी। अब चीनी, पानी, सब कुछ अच्छे से मिलाना है और मैं बहुत स्वादिष्ट कैंडी बना लूंगी। बेशक मैं काला रंग जोड़ूंगी, ये एक सुंदर कैंडी के लिए बिल्कुल जरूरी है। हाँ, कितना अच्छा दिख रहा है। अब इससे एक बढ़िया लॉलीपॉप तैयार हो जाएगा। एक ग्लास में तैयार लिक्विड डाला और अब मैं यह हाथ उसमें डाल दूंगी। अब हम तैयार लॉलीपॉप को बाहर निकालते हैं, यही हमें चाहिए। हाथों पर पिघली हुई चीनी एक इवनिंग गाउन की स्लीव्स की तरह है। मैं क्या करूँ? ओ, चम्मच, हाँ यह सही रहेगा। मैं इसमें चीनी डालती हूँ। मुझे और चाहिए, मैं एक बर्नर का उपयोग करूंगी, तब यह बहुत तेज होगा। ओह, यह क्या हो रहा है, यह पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ। ओह, चीनी पूरी तरह से जल गई है और ये बहुत गर्म है, मेरी जीभ। इसे ठंडा करने की कोशिश करो। तुम सही कह रही हो, ठंडा होना जरूरी है। तो मेरा फ्रिज कहाँ है? मैं थोड़ी देर के लिए अपना लॉलीपॉप रख देती हूँ, इस तरह से बेहतर होगा। ओह बढ़िया, मैं इस लाल सिरप में चीनी मिलाऊंगा, यह प्यारा है। मुझे कितनी स्वादिष्ट कैंडी मिलने वाली है। बिल्कुल सही, अब इसे थोड़ा मिलाना बाकी है। हाँ, अब यह हो गया।
और अब मैं इसे रोल करने जा रहा हूँ। बढ़िया, बेलिसिमो। अब सफेद मिलाना बाकी रह गया है। मैं दो को जोड़कर एक अविश्वसनीय लॉलीपॉप बनाऊंगा। यहाँ ऐसी छड़ी है, मैं इसे मोड़ दूंगा और अब मैं इसे आकार दूंगा। मैं एक जीनियस कुक हूँ, एक असली मास्टरपीस जिसे खाया जा सकता है। मेरा लॉलीपॉप कहाँ है? पता नहीं है तैयार हुआ या नहीं। ओ, 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 ये जीभ से चिपक गया। ओह, कितना दर्द हो रहा है। मैं कीट के लिए ले जाती हूँ। देखो ये तैयार हो गया है। देखो मेरे पास कैसा लॉलीपॉप है। ओह वाह, कितने अलग अलग तरह के हैं। यह क्या है? इसकी महक भी अच्छी नहीं है, गंध भी अच्छा नहीं है। बेशक मैं इसे चखूंगी, लेकिन ये घिनौना है। ये कुछ बहुत अजीब है, पर इससे अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट। ये क्या, उसने मेरी गुड़िया का हाथ क्यों लिया? उसे तोड़ दिया। यह भयानक है, कितना बेकार आइडिया था। और इस लॉलीपॉप को जरूर आजमाना चाहिए। कितना अच्छा सुंदर लॉलीपॉप, यम यम यम, ये सबसे अच्छा है। हाँ, ये खैर, मुझे अपने काम पर शक नहीं था। यह खाना पकाने का समय है, मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल, ये बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है, मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ, ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है, हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है, मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैस सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी, मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है, मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा, मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी, कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब ये सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, ये बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल, अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप, इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है, परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी, बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी, उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे दादी कहाँ गई? क्या, कहाँ, कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है, बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी ये केक चाहिए, मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है, रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केट, तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है।
चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हमें ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह, कितना मीठा है, ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है, कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है, मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा रसदार, बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ, स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है, मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है, मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा, अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा। ओह चलो, तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ? किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए, मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी, सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ, तुम अपनी उंगलियाँ चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है, बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन है। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितने उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी, बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे, यह बेकार है। मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। yeah. क्या यह प्याज है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। टमाटर, लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो ये बेस्वाद होगा। अब शायद ये ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है, इन्हें हटाना होगा। ठीक है, अब ये ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये बहुत ज्यादा है। ओ चलो, अगर इस तरह से रखे तो यह भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। yeah. मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी। थैंक यू। ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया, हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है, हमने इसे प्लेट पर रखा, बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया, इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है, मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुए सब्जियां तैयार हैं। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां, और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है, कितना सुंदर है।
सच है। यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ? ये कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। ए, क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है, चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई।